और देखिए इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत लाइव मौजूद हैं। राकेश जी, आज संसद में बिल भी पेश होने वाला है तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के, अब भी आप नहीं मान रहे हैं? हाँ, वापसी हो जाएंगे आज जी, वापसी हो जाएंगे आज, जो तीन काले कानून थे जी। अभी भी आप लोगों के तंबू मौजूद हैं, पीएम मोदी अपील कर चुके हैं कि घर वापसी हो जाए किसानों की। हाँ, मारे तंबू बताओ इनको, मारे घरों को तो तंबू बताओ भाई, हम क्यों नहीं जा रहे? तो बात तो कोई करेगा या ऐसे ही है, हम कोई उसमें मेले में आ रहे थे यहाँ पे, एक टाइम पीरियड के बाद में अपने आप चले जाएंगे। कोई बातचीत करने वाला तो होगा इस देश में, या ही नहीं कोई, निमट गया केस। हम क्यों यहाँ पे है? कानून आज वापसी हो जाएंगे, उसके बाद में भी किसान क्यों नहीं जा रहा? कोई हुकूमत तो होगी यहाँ पे जो बातचीत कर ले, या ही नहीं कुछ भी। किया था कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं, आप अरे ऐलान कर दिया, कोई कोरिया है क्या? ये कंट्री का ऐलान कर दिया कोई? इस देश में और भी तो कोई रहते होंगे, अनाज पानी रोटी तो सभी खाते होंगे, ज्ञान तो सबको होगा। शब्दों का आपने इस्तेमाल किया कि सरकार का, और मोदी जी ने अनाउंस कर दिया तो इनको भेज दो घर। हम ये कह रहे कि एमएसपी पे कौन बात करेगा? जो मुकदमे दर्ज है उस पर कौन बात करेगा? जो देश के किसानों के और मामले है उस पर कौन बातचीत करेगा? कोई तो देश का खाली खोर होगा। यह ऐलान कर दिया, ये अपना चले गए, कोई रेहड़ू है या भेड़ बकरी है ये किसान के जिंगे को इनको हाँक दिया होंगे से ये चले गए वापसी। एक साल से यहाँ पे है, कोई बातचीत तो करने वाला होगा या है ही नहीं कोई भी? नहीं, आपको आपत्ति थी, देखिए आपको आपत्ति तीनों कानूनों पर थी, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सरकार अपील कर रही है, कृषि मंत्री आपसे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, आपको भरोसा नहीं है देश के प्रधानमंत्री पर। एक ही पहाड़ा पड़ रहा क्या है भाई? आपने सबने एक ही पहाड़ा पढ़ लिया, ये पहाड़ा अब ये 5-6 दिन चलेगा, एक ही पहाड़ा 5-6 दिन चलेगा ये। अभी इन तीन काले कानूनों से अलग भी कोई देश में होगा वो भी बता दो, एमएसपी पे कौन बात करेगा? नहीं, आपकी मांगे तो बढ़ती जा रही है राकेश जी, सरकार ने आपकी मांग मान ली है, अब आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, लोगों को दिक्कत हो रही है, आप देखिए जो लोग सफर तय करते हैं उनको परेशानी हो रही है, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही सीमाओं पर? हम सीमाओं पर, अरे हमको हटा दो इनसे अगर हम गलत बैठे। बातचीत कर लो सरकार, बात कर लो, जो हमारे और मुद्दे हैं उस पर बातचीत कर लो, बगैर उसके किसान ना जानेगा। नहीं, आप भी तो राकेश टिकैत जी, आप भी तो यही कर रहे हैं, धमकी देते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, यही पहाड़ा आपने भी बना लिया है, एक साल से यही चल रहा है, जो आम लोगों को परेशानी हो रही है ये भी तो आप समझिए, आपकी बात तो मान ली गई है। अरे सरकार बात कर नहीं रही, देखिए आप तो नहीं सिखाएंगे हमें हमने क्या किया हुआ है, सरकार बात करेगी तो बात करेंगे हम, आपकी मर्जी के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। और किसके मर्जी के हिसाब से होगा भाई? आप बता दो कौन सी मर्जी के हिसाब से होगा? न्यूज़ इंडिया पर इस वक्त सब लोग आपको हमें देख पता रहे हैं। है 5 दिन, आप ये बताइए कि जो लोगों को परेशानी हो रही है, अगले संडे तक क्या प्रोग्राम चलना वो हमको पता है, उसकी तैयारी हमारी है, आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब ये देश का किसान देगा, ठीक है? आप जो क्वेश्चन करोगे तो भविष्य की रणनीति क्या है, ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए देखिए राकेश टिकैत जी, जहाँ पर हम मौजूद हैं, हम बैरिकेडिंग के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर पूरी लेन बंद कर दी गई है आप लोगों की वजह से, तो बैरिकेडिंग, एम्बुलेंस जो जा रही थी वो नहीं जा पा रही है, लोग जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। अरे एम्बुलेंस किसने रोकी है? ये भी तो राष्ट्रहित का मुद्दा है, एम्बुलेंस किसने रोकी? अरे एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है यहाँ से, बैरिकेडिंग कर दी है दिल्ली पुलिस ने अब फिर से। अरे नहीं, रोकी किसने है? आप लोगों की वजह से रोकी गई है, आप लोगों की वजह से रास्ता बंद हुआ है। चलो इस बहस में ना जाओ, आप अपना काम करो। लो भाई, मैं तो काम कर रही हूँ सर, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हो गया, हो गया।
आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आज संसद का शीतकालीन सत्र है, अब आप लोगों की आगे क्या रणनीति है, कब तक आप लोग डटे रहेंगे, कब घर वापसी होगी, क्योंकि दूसरी मांगे आ गई हैं, ये आप बताइए। तो चलिए, तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। देखिए, जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि ये भी देश हित का मुद्दा है कि यहाँ पर जो हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, आप देखिए एक हफ्ते से जो पहले प्रक्रिया थी बैरिकेटिंग हटा दी गई थी, अब फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा है, एक साल से यहाँ पर बंधक बनी हुई है दिल्ली, और देखिए ये पूरी लेन जो थी एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं जा पा रही है, और यहाँ पे जो आम्रपाली सोसाइटी है, जो वहाँ के लोग हैं, वो देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको परेशानी काफी ज्यादा हो रही है। राकेश टिकैत जो बार बार सरकार को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि 26 जनवरी दूर नहीं है, भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।